अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता दें, जहां सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है। दाऊद गैंग के नाम पर धमकी भरा कॉल आया। दाऊद के भाई इकबाल कास्कर का आदमी बताकर प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई। सांसद को फोन पर कहा गया कि तुम्हारी हत्या होने वाली है, इसलिए बोल दिया है। सांसद ने थाने में मामला दर्ज कराया। तस्वीरें देखिए, नाम कौन हो तुम? इकबाल कास्कर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कास्कर कौन है, ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कास्कर, ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे, क्यों करोगे भैया, क्या कारण है बताना जरा, क्या कारण है? रिएक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या, हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते हैं, अमृत बरसाते हैं? मुसलमान अमृत बरसाते हैं? हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? करो तुम्हारा नाम भी बता दो, अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम कौन हो तुम। और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे, इसलिए कि आकर्ष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आकर्ष, वीडियो हमारे सामने प्ले हो रहा है, काफी चिंताजनक वीडियो है। जी अवंतिका, आपने सही कहा, काफी गंभीर मामला है कि भोपाल की जो सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनको धमकी दी गई है। और साफ तौर पर बताया गया है कि दाऊद इब्राहिम के जो भाई है, जो अंडरवर्ल्ड डॉन है इकबाल कास्कर, उसके नाम पर फोन लगाया गया है कि वो इकबाल कास्कर बोल रहा है। और जिस तरीके से आपने पूर्व में बयान दिए हैं, उस बयान को लेकर आपको जान से मारा जा रहा है, आपकी हत्या की जानी है, उससे पहले एक बार फोन करके आपको बता रहे हैं। पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जब धमकी दी जा रही थी, तो वहां पर जो साध्वी प्रज्ञा के साथ में जो उनके कार्यकर्ता है, उन्होंने उस दौरान वीडियो ही बना लिया है। और पूरे मामले को लेकर भोपाल के टीटी नगर थाने में शिकायत भी की गई, और साथ में डीजीपी के पास भी पूरे मामले की शिकायत पहुंचाई गई है। कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच में जुट गई है। साइबर क्राइम की अभी क्राइम की मदद ली जा रही है कि आखिरकार ये फोन कहाँ से आया, किस तरीके से इनको धमकी दी गई, वो कौन लोग हैं जिन्होंने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस गहनता से जांच कर रही, लेकिन एक गंभीर मामला है कि भोपाल की सांसद को इस तरीके से धमकी भरा फोन आया उनकी हत्या के लिए। बिल्कुल, यानी कि कार्रवाई इस मामले में लगातार जारी है। शुक्रिया आपका आकर्ष, इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपको वीडियो दिखा देते हैं, बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ, करो तुम्हारा नाम भी बता दो, अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम कौन हो तुम। इकबाल कास्कर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कास्कर कौन है, ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कास्कर, ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे, क्यों करोगे भैया, क्या कारण है बताना जरा, क्या कारण है? रिएक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या, हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते हैं, अमृत बरसाते हैं? मुसलमान अमृत बरसाते हैं? हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई?